झारखंड के जामताड़ा जिले में बड़ा हादसा हुआ है। बराकर नदी में नाव पलटने से 21 लोगों के डूबने की जानकारी मिल रही है। अब तक पानी के अंदर से 4 लोगों को जिंदा निकाला गया है। हादसा धनबाद जिले के बारबेंदिया और जामताड़ा जिले के बीरगांव श्यामपुर घाट के बीच हुआ है। वही मामला आज बजट सत्र के दौरान सदन में भी उठा। सरकार में सहयोगी दल के विधायक इरफान अंसारी ने अपने ही सरकार से बारबेंदिया पुल, जो 18 वर्षों से नहीं बना है, उसे जल्द बनाने की गुहार लगाई। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, जी, आपने कल देखा होगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक नाव पलट गया। उस नाव पलटने से 21 लोग लापता हैं। अभी तक 4 लोगों का शव मिला है, 21 लोग अभी तक लापता हैं और वहाँ की जनता काफ़ी आक्रोश है। लगभग 20 से 30 हज़ार लोग अभी तक घेरे हुए हैं। डीसी एसपी हम लोगों ने उनको लगाया हुआ है कि लोगों का मांग है कि बॉडी मिल जाए, लेकिन बॉडी अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है। आज सदन में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने, हम और हमारी बहन अपर्णा जी ने भी, हम लोगों ने सरकार से साफ साफ कहा कि अगर वो बीरबिंदिया पुल अगर बन जाता तो लोगों की जान नहीं जाती। ये 18 साल तक पुल नहीं बना, लोगों की जान जा रही है, जान जा रही है। आज मैंने सरकार से खुल के कहा कि और कितनी जान लेगी सरकार है, कब बनाएगी पुल। वहीं नेसा से भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने भी कहा कि सरकार से बार बार बारबेंदिया पुल को बनाने के लिए मांग करती रही है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण आज लोगों की मौत हो रही है। जल्द से जल्द पुल को बनाने का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। नेत्सा विधानसभा और मतलब धनबाद जिला का नेत्सा विधानसभा, जो बराकर नदी पर जो बारबेंदिया पुल बना हुआ है, ये लगातार मेरा विधानसभा क्वेश्चन भी रहा। बाहर धरना प्रदर्शन आप लोग भी देखे होंगे हम शक्ति के साथ, बारबेंदिया पुल को जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि ये पुल संथाल परगना और कोयलांचल को जोड़ने का ये पुल है। लगातार मेरा विधानसभा में क्वेश्चन करने के बावजूद भी ये जनविरोधी सरकार, जनता का जो दुख सुख का ख्याल रखने वाली ये सरकार नहीं है। अगर ये पुल बन जाता तो आज इतना बड़ा घटना नहीं घटता, जो कल शाम को लगभग 5 बजे जो आंधी तूफान आई, उस समय जो नाव पलट गया, अभी भी कम से कम 15-20-25 आदमी अभी भी नदी में डूबा हुआ है। मैडम, अब आगे क्या आप मांग कर रही हैं, क्या चाहती हैं? आगे हम मांग अभी सीएम साहब से भी हाउस में इस बात को सूचना दिए, फिर हम लोग मिले भी कि जल्द से जल्द वो पुल बनवा दिया जाए, ना कि और आप मतलब मौत का इंतजार कर रहे हैं और कितने मौत मरेंगे उसके बाद आप मतलब पुल को बनवाइएगा। तो हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वो पुल, बारबेंदिया पुल को बनवाया जाए, क्योंकि इधर मेरा निरसा विधानसभा है और उस साइड इरफान जी का है, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी दायित्व तो है कि दो विधायक का जहाँ का बात आ रहा है, एक ही पुल का दो विधायक का बात आ रहा है, तो उस पुल कितना इम्पोर्टेंट है, जो बार बार हम लोग लगातार विधानसभा में क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आज तक पता नहीं इतना हल्का से ये पुल मतलब लिए और जो नहीं बना, और उसी के चलते आज इतना बड़ा घटना जो घट गया, ये झारखंड सरकार की उदासीनता के कारण ये घटना घट गया।